आज के इस वेबिनार के मुख्य ऑर्गेनाइजर है हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर वसुधा पुरोहित। हमारे आज के मुख्य अतिथि है विश्व प्रसिद्ध जो गायन माने क्रियात्मक और शास्त्र पक्ष को उतनी ही प्रभुत्व से निभाते हैं, वो हमारे अभी अभी निर्वाचित हुए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई के अध्यक्ष डॉक्टर विकास पशाड़कर जी, हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दोड़के जी है, इन सभी को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं हमारे साथ आने के लिए। और मैं इसके आगे इस वेबिनार की शुरुआत हमारे विभाग की छात्रा कुमारी श्रावणी प्रकाश मुधवाड़कर को विनती करता हूं कि वह अपने शारदा स्तवन से इस वेबिनार का उद्घाटन करें। नमस्कार, गेटिंग माय वॉइस? बढ़िया श्रावणी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से शारदा स्तवन करके इस वेबिनार को मधुर बनाया है। आज के हमारे प्रमुख अतिथि माननीय पंडित विकास कशाड़कर जी, इनका मैं परिचय दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक संगीत विद्वान पंडित विकास कशाड़कर जी भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के एक माने हुए विद्वान हैं, जो शास्त्रीय संगीत के शास्त्र तथा क्रियात्मक दोनों पक्षों पर समान प्रभुत्व रखते हैं। आपने बाल चित्रवाणी में प्रोड्यूसर के स्थान पर 20 वर्ष अपनी सेवाएं दी है। आपका शिक्षण बीएड तथा अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई के आप संगीताचार्य भी हैं। आपने पुणे यूनिवर्सिटी में 20 वर्ष सिखाने का कार्य भी किया है। पंडित भीमसेन जोशी अध्यासन केंद्र के 2 वर्ष आप चेयर प्रोफेसर रह चुके हैं। आप कई विश्वविद्यालयों के रिसर्च गाइड हैं तथा आपके लगभग
50 शोध निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई पुस्तकों तथा संगीत नाटकों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आप ग्वालियर घराने से हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके पिताजी एडवोकेट एनडी कशाड़कर जी से हुई है। तत्पश्चात आपने ग्वालियर घराने के उर्ध्वयु पंडित गजानन राव जोशी इनसे तालीम लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। अभी आप अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पंडित जी हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज यहाँ उपलब्ध हैं। मैं हमारी महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर वसुधा पुरोहित मैडम को विनती करता हूँ कि वे अपना मंतव्य यहाँ दें। मैडम प्लीज। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर वसुधा पुरोहित, आज के प्रमुख अतिथि माननीय पंडित डॉक्टर विकास जी कशाकर तथा सभी प्रतिभागियों का मराठवाड़ा लीगल एंड जनरल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित डॉक्टर सौ इंदिराबाई भास्करराव पाठक महिला कला महाविद्यालय की ओर से सहर्ष स्वागत करती हूँ। संगीत विभाग आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर मैं हमारे कॉलेज का एक छोटा सा परिचय आप सभी को देना चाहती हूँ। इस कॉलेज की स्थापना जून 1970 में की गई है। मराठवाड़ा प्रभाग का यह प्रथम महिला महाविद्यालय है। हमारी संस्था ने यह कॉलेज के माध्यम से स्त्रियों के लिए कई अनुकूल अवसर प्रदान किए हैं। समाज सुधारक महर्षि कर्वे के आदर्शों पर चलकर इस प्रभाग की महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने उनके लिए प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। इस महिला महाविद्यालय के होने से कई महिलाओं ने उच्च शिक्षण पा लिया है और अपना व्यक्तित्व निखारा है। इस महाविद्यालय की शैक्षिक परंपरा एवं दर्जा इतना ऊंचा है कि जिसके कारण एक संस्कारक्षम पीढ़ी ये कॉलेज ने निर्माण करने में अपना बड़ा योगदान दिया है। हमारे पास महाविद्यालय में सीनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज है। सीनियर कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीसीए ये डिग्री कोर्सेस और एमए होम साइंस ये एक पीजी कोर्स उपलब्ध है। कनिष्ठ महाविद्यालय में पिछले साल से ही हमें सहशिक्षण की अनुमति प्राप्त हुई है और ये जूनियर कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एचएसवीसी ये शाखाएं स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। ये महाविद्यालय गुणवत्ता, स्वयं शिस्त तथा विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमों के लिए जाना जाता है। कॉलेज में उत्कृष्ट भौतिक सुविधाएं भी उपलब्ध है और ये ध्यान में रखते हुए 1995 में महाविद्यालय में संगीत विभाग की स्थापना की गई और वहां से लेकर आज तक संगीत विभाग ने अपनी अलग पहचान बनाई है। विद्यापीठीय युवक महोत्सव में कॉलेज के छात्राओं ने बख्शीश प्राप्त किए हैं। वर्ष 2013 एंड 14 में संगीत विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर संगीत परिषद का आयोजन किया था। उस परिषद में माननीय डॉक्टर श्रुति सडोलीकर जी, ख्यातनाम शास्त्रीय गायिका और उपकुलपति है वो, माननीय अश्विनी भिड़े देशपांडे, डॉक्टर टी उन्नीकृष्णन और आज के अपने प्रमुख वक्ता माननीय पंडित विकास कशाकर जैसे मान्यवरों का सहभाग था। ये वर्ष महाविद्यालय का सुवर्ण महोत्सवी वर्ष है
और इस वर्ष में शास्त्रीय गायिका माननीय आशाजी खाडिलकर ने एक कार्यक्रम ने में अपना गायन प्रस्तुत किया है। आज हमें जो अतिथि प्राप्त हुए हैं, उनसे मेरा एक नम्र निवेदन है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप शैक्षिक बदलाव बहुत सारे हमारे सामने आ खड़े हैं। संगीत शिक्षा को लेकर मेरे मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है, खासकर संगीत शिक्षा को ई लर्निंग में कैसे ढाला जाए। ई टीचिंग द्वारा हमारा गुरु शिष्य परंपरा को अलग परिमाण देने जा रहे हैं। वर्चुअल पढ़ाई में जीवंतता का अनुभव कैसे दे पाएंगे? सात प्रतिसाद ये संगीत की आत्मा है, उस अनुभव को कैसे महसूस करें? गुरु का आशीर्वाद लेकर शिष्य को नैतिक बल मिलता है और उचित मार्गदर्शन से उसका कार्य सुगम हो जाता है। मन से मंच तक का संगीत का प्रवास अब कैसे होगा? मेरे मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। आशा है आज का वेबिनार इसी प्रश्न के उत्तर के खोज में हो। हम सबको सब जानते हैं, संगीत भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक कहा जा सकता है। उसकी शिक्षा में होने वाला बदलाव वो उसने हमारे सामने बहुत बड़ा आह्वान खड़ा किया है। मुझे उम्मीद है आज के वेबिनार में हमारे ये सब सवालों का समाधान हो जाएगा और इसी बात को लेकर मैं मेरा प्रास्ताविक यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दोड़के सर को विनती करता हूँ कि वो प्रश्नोत्तर द्वारा पंडित विकास जी कशाड़कर जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त कराएं। धन्यवाद। नमस्कार सर, तुमचा माइक। हाँ नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर विकास कशाड़कर जी और सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे डॉक्टर पराग सर ने कशाड़कर सर जी का जो बायोडाटा पढ़ा है वो तो पूरा टेक्निकली उनका जो कार्य है वो पूरा उस बायोडाटा में आया है, लेकिन मैं कशाड़कर सर जी को एक अलग अंदाज से भी देखता हूं कि सर एक बहुत अच्छे इंसान है। अगर कुछ भी हमें कुछ सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो तो उनके पास उसका सॉल्यूशन होता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं भी होता तो वो कहते हैं दोड़के जी थोड़ा ठहरिए, अपन इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकलता है क्या देखेंगे। और मुझे उम्मीद होती है कि बराबर सर के पास उसका सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। बड़े कलाकार बहुत है लेकिन इंसान कम है, इंसान भी बहुत है बड़े कलाकार कम है, लेकिन मैं कशाड़कर सर जी से बात, यह इंसान एक बड़ा कलाकार है। इसका अपना जो यह वेबिनार है, पूरी दुनिया में इस अभी जो कोरोना नामक विषाणु से कहर मचा दिया है तो हमारे संगीत जगत में भी पूरी हलचल सी मच गई है। हमारे संगीत जगत की शिक्षा और प्रेजेंट संगीत जगत सिर्फ शिक्षा ही नहीं तो पूरी महफिल कैसे करेंगे, बहुत सी समस्याएं इस वजह से समस्याओं का सामना अभी हम कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सा वक्त है कि इसके ऊपर थोड़ा विचार मंथन किया जाए और इसमें से कुछ हल निकाल लिया जाए। तो इस वजह से आज का वेबिनार हमने आयोजित किया है। यह वेबिनार क्वेश्चन आंसर के तौर पर होगा। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि संगीत शिक्षा में अहम गुरु और दूसरा है शिष्य यानी विद्यार्थी। सर
ऐसा कहा जाता है कि आज के जो युवक है वह शास्त्रीय संगीत की तरफ इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, या उनमें रुचि कम है, या फिर वो पाश्चात्य संगीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अपने भारतीय संगीत में संगीत के बारे में युवक का दृष्टिकोण कैसा है, और आज का युवक संगीत नमस्कार महिला महाचार्य प्राध्यापक वर्ग और उपस्थित देवियों और सज्जनों, एक बड़ा सवाल दोड़के जी ने हमारे सामने रखा है कि आज के जो भारत के युवक, भारत का युवक वर्ग है, वो संगीत की ओर किस पद्धति से देखता है, और हम हमारा संगीत उन युवकों तक कैसे पहुंचाएं, ये एक बड़ी समस्या सामने है। वैसे देखा जाए तो जब संगीत के कार्यक्रम में हम जाते हैं और वहां देखते हैं तो अधिकतर युवक लोग उस संगीत के कार्यक्रम सुनने के लिए आते हैं, लेकिन यह पढ़ते समय या कॉलेज में उनके आने की संख्या कम है। जो युवक है वो और कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और क्लासिकल के बारे में उनके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, रुचि है, क्यूरियोसिटी है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, ये सब है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं कुछ जगह इसमें कमियां हैं, और वो ये हैं कि हम हमारा शास्त्रीय संगीत कितना सुंदर है, अच्छा है, ये बताने में हम कहीं कम पड़ते हैं। देखिए कि वेस्टर्न म्यूजिक की बात आपने की, बहुत सारे नवयुग जो है आजकल वेस्टर्न म्यूजिक वो अपने वो एक मेंडोलिन कहिए या गिटार, लेकिन गाना गाने में बहुत रुचि रखते हैं, वो शास्त्रीय संगीत इस प्रकार से गाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस पर हमने एक छोटा सा रिसर्च किया था, इसको फॉर्मेटिव रिसर्च कहते हैं। तो उसमें ये देखा गया, एक प्रोग्राम में हम गए थे जो कि एक लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम था और काफी युवकों की भीड़ थी, तो उनके पास हमने कागज दिया था और उस पर लिखने के लिए कहा था कि आप इसमें रुचि रखते, इतनी रुचि आप शास्त्रीय संगीत में क्यों नहीं रखते। तो बड़ा सिंपल सा एक आंसर उसमें से निकला है, उन सब लोगों ने लिखा था कि हमारा शास्त्रीय संगीत बहुत लंबा चलता है, घंटों तक चलता है, और वो फिर उसमें हम कंटिन्यूटी आनंद नहीं ले पाते। इसमें एक 5 मिनट का एक छोटा सा गाना होता है, फिर दूसरा होता है, फिर दूसरा गाता है, दूसरा गाता है, तो इसके कारण वो समझना आसान होता है। ये दो बातें उन्होंने कही, तो इस बात को हमको बड़े अच्छी तरह से समझना चाहिए कि पुराने जमाने में, अब जैसे हमारे जैसे भी कलाकार थे कि पुराने जमाने में 1 घंटा 1.5 घंटा एक ख्याल गाने में हम बहुत हमारे हमारी कैपेसिटी को मानते थे कि हम बड़े कलाकार हैं, क्योंकि हम एक गाना एक राग 1.5 घंटा गाते हैं। अब देखिए कि आजकल के युवकों के पास इतना समय ही नहीं है कि आपका 1.5 घंटा कुछ सुन सके, और जहां तक नए कलाकार और कुछ बड़े भी कलाकार हैं 1 घंटा गाते हैं, लेकिन क्या उसमें 1 घंटा उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है? तो वास्तव में सही पूछे तो मैं कहूंगा 10-15 मिनट के बाद वो गाने वाला का मैटर खत्म हो जाता है, और मैटर खत्म होने के बाद वो ही रिपीटेशन चलते रहता है, एक दुगुन में तान ली, फिर चौगुन मिली एक आलाप, फिर दूसरे बार लिया, फिर 3-4 बार फिर से वही आलाप होता है। मतलब वो एक प्रकार की देखो तो मोनोटोनी, उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और एक मोनोटोनी और फिर उसको समय अलग अलग भाषाओं में है, कई भोजपुरी में है, कोई ब्रज भाषा में, कोई उर्दू में है, कोई पंजाबी भाषा में है,
तो ये भी दिक्कत होती है कि इन सब भाषाओं में वो क्या कह रहा है ये भी समझ नहीं पाते। तो ये सारी अड़चने होने के कारण ये हमारे युवा का लोग जो है वो इसके पास आना नहीं चाहते। जब तक कोई समझती नहीं बात, मेरे सामने आके कोई रशियन भाषा में बात करे और मैं बैठा रहा हूं, कितनी देर बैठूंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने के लेवल तक हमको इस संगीत को लाना पड़ेगा। जो हम सिखाते हैं उसको ऐसे करिए, छोटे छोटे राग, छोटी छोटी बंदिशें, समझने वाले विषय। अब पुरानी बात तो छोड़ देनी चाहिए, वो सास और ननद होती है उसमें और उनके वो झगड़ा। अब वो सास ननद हमारे साथ रहती नहीं है तो फिर उसका हम वर्णन करते रहे हमारे बंदिशों में, ये कितना उचित है। इसके कारण ये हमारे युवा कलाकार जो है वो उसमें नहीं आते। अब युवा कलाकार को क्या चाहिए, यही करके मैं अपना ये प्रश्न खत्म करूंगा। जहां तक देखा मैंने कि युवा कलाकार रिदमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। ये हमारे गणेश फेस्टिवल होता है, उस समय देखो हजारों की तादाद में लोग ढोल बजाते, ऐसा करते करते घंटों तक उसमें रहते हैं। अब वो उसका भी उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो रिदमिक एक्टिविटी जो है वो हमारे युवकों को बहुत पसंद है। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फास्ट रिदम। और हमारा संगीत देखिए इतना स्लो चलता है तो उसके कारण वो उसमें रुचि नहीं ले पाते। तो हमारे संगीत को युवा क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं, किस प्रकार से रिदम, उसका काव्य क्या हो, उसकी ट्यून क्या हो, वो अकेले में उसका आनंद कैसे ले, ये यदि हम उस पर हमारा ध्यान रखें और उस प्रकार से हमारे संगीत में बदलाव लाएं, तो मैं समझता हूं कि कई सारे लोग इसमें आएंगे। युवा लोग इसमें अपना करियर करना चाहते हैं, लेकिन वो सिंपल तरीके से हम उनके पास जाएं, तो मैं समझता हूं कि युवा लोग हमारे संगीत में बहुत रुचि लेते हैं। सर, इसका मतलब आपको यह कहना है कि अपन जो सालों से या पुरातन काल से अपने शास्त्रीय संगीत में बड़े ख्याल और छोटे ख्याल, ये जो अपनी गीत प्रकार जो है, तो उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, ऐसा आपका मत है? हाँ। सर, मुझे आगे चलकर ये पूछना है कि हमारे संगीत शास्त्र में दो विधाएं हैं, एक तो थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है, तो हमें दोनों को भी बैलेंस रखना चाहिए या फिर शास्त्र को ही ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए या थ्योरी को ज्यादा बढ़ावा, ऐसे? क्योंकि युवक इस भी दुविधा में पड़ गया है कि हमारे संगीत में शास्त्र का कितना महत्व है और थ्योरी का कितना महत्व है। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। अब देखिए कि हम लोगों ने संगीत का शास्त्र बनाया जी, लेकिन वो शास्त्र बनाते समय बहुत साल हो गए। अब वो जो शास्त्र बनाया, जिन महान संगीतज्ञों ने बनाया, वो बनाते समय बहुत डिफिकल्ट पद्धति से बनाया शायद, मेरे को लगता है। अब मेरे जैसे जो टीचर हैं, तो वो टीचर को हमारे नवयुवक प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि सर ये भूपराग आप गाते हैं, भूपराग को आपने कल्याण ठाट में डाला, क्यों डाला, इसका रीजन बताइए। तो ये प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं सकते। हम कहते कि नहीं नहीं वो क्योंकि कल्याण की हम के बारे में हम कहते कि कल्याण थाट तीव्र मध्यम का है, अब इसमें जब मध्यम नहीं है तो उसका सवाल होता है कि वो बिलावल में क्यों ना डाले वो उसमें, फिर हमको कई सारे रीजन देने पड़ते जी। फिर ये एक राग है, ये शाम को ही क्यों गाए, ये सुबह में क्यों ना गाए, इसके बारे में भी हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है जी सर। ऐसे कई सारे शास्त्र के जो नियम बनाए गए हैं, सम प्रकृतिक राग है, सायंकालीन राग है, इनके हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ उत्तर हम दे नहीं पाते। तो हमको ये लगता है कि ये जो अभी पुराने जमाने से आ रहा है, मेरे को किसी ने पूछा कि हमारे स्वर के श्रुति, आप श्रुति पर आपका संगीत आधारित है, तो कितनी श्रुतियां हैं, तो मैंने कहा 22। तो कहने उसका ये
4-3-2, 4-4-3-2 तो कहने लगे उससे आज का तो स्केल बनता ही नहीं है। शास्त्र में पढ़ाए जा रहे कि 22 श्रुति है और वो है और वो करके देखो तो हमारा आज का सप्तक नहीं होता। तो ये ऐसा जो हम पढ़ा रहे हैं शास्त्र, तो मैं समझता हूं कि हम उनको किसी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं क्या। अब लोग गुस्सा होते जब हम इतना प्रोमिनेंट इससे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये बहुत बड़े लोगों ने बनाए हैं। बनाए ठीक उस जमाने में उसकी आवश्यकता थी, लेकिन वो इस प्रकार से आरोह की बात करो तो सब लोग अलग अलग प्रकार के आरोह बताते हैं। वादी समाधि अलग प्रकार के बताते हैं, गान समय अलग प्रकार के बताते हैं। रामायणकालीन संगीत पूछा जाता है, किसने सुना होगा रामायणकालीन संगीत, उस पर बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेपर में जी। तो आप जैसे जो प्राध्यापक है जो इस पर सोच सकते हैं, प्राग जी हमारा साथ इधर, ये भी इस पर विचार करें कि भाई हमने जो शास्त्र बनाया जो 100-150 साल पहले बनाया उसमें काफी हम प्रगति कर चुके हैं। 240 फ्रीक्वेंसी का सा हम कहते थे, अब कौन सा है? हमने पूरा जांच के देखा 240 का कोई हमको मिलता ही नहीं है। बी की फ्रीक्वेंसी के पास पास थोड़ा थोड़ा आ जाते, सी के ऊपर हो जाती, बी के नीचे, 240 कहां से निकाल। तो किताब में जो लिखा था उस समय जो अवेलेबल मटेरियल था उसको हमने लाने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्र का महत्व, शास्त्र की पद्धति से जो गाते हैं वो कलाकार नहीं बनते, ये पूरा मेरे से जान लीजिए जी सर। मैं जब गाता हूँ तो शास्त्र को बाजू में रख देता हूँ और मेरे दिल से गाता हूँ। तो गाने वाले कलाकार को मैंने पूछा था, पंडित भीमसेन जी से बात की थी कि हमने कहा सर पंडित जी की कितने रागों के वादी समाधि आपको मालूम है? कहले अरे बहुत गलत बात करते हो, समाधि हम वो सोच के गाते नहीं, हम तो राग हमारे हृदय से गाते हैं, वो हृदय में जो दिखता है जो पसंद लगता है वो गाते। अब ऐसे शास्त्र को हम किस लिए रखें उसका भी विचार करना चाहिए। और कोई कहता है इसका गंधार वाद्य, कोई कहता है पंचम है, कोई दैवत, तो उसमें भी एकता नहीं है, समानता नहीं है जी। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ाते समय अभी सब लोगों एक समिति गठित करके नया शास्त्र बनाने का प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए कि जो हमारे इसमें अड़चन ना पैदा करे। जी जी जी, अड़चनों को निकालने वाला जो होता है वो शास्त्र चलेगा जी सर, स्वयं का मत है। हाँ सही बात है सर, आपने वादी संवादी इस बारे में तो बहुत से लोगों का मत प्रभाव होता है और एक ही राग है लेकिन हर एक घराने में उस राग की सोच अलग अलग है जी। तो फिर मुझे जिस घराने से मैं तालीम लिए है मैं उस घराने से बात करूंगा जी। और एग्जाम में अगर कोई दूसरे घराने का कोई एग्जामिनर आते हैं तो वो बोलते अरे नहीं नहीं यमन गलत हो रहा है, तो इसके लिए आपने जो बात कही है कि ये सब कंपाइल होके पूरा एक ही कुछ तभी एक रीजन हर एक पक्ष में होना चाहिए, ऐसा आपका नहीं है? ऐसा नहीं है कि जरूरी है ये देखिए, जैसे 200 साल पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे जी, तो परंपरा करके बैलगाड़ी से ही जाना शुरू रखेंगे हम तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे जी। अब हमारे पास बहुत सारी ट्रेनें हैं, एयर फ्लाइट्स है, तो जैसे परिस्थिति चेंज होती है वैसे बदलना चाहिए। हर एक विज्ञान के कई सारे नियम बदल चुके हैं तो वैसे संगीत के भी शास्त्र के नियमों को बदलना चाहिए, नए तौर से शास्त्र की ओर देखने की आवश्यकता है जी सर। अभी अपना बदलाव का ही अपना विषय चल रहा है तो सर क्या अपने इस संगीत में कुछ अलग अलग प्रकार निर्माण होने चाहिए ऐसा आपको लगता है? जी जी देखिए कि हम जो बड़ा ख्याल जैसे पराग जी ने कहा था कि बड़ा ख्याल की ये अभी का दौर चल रहा है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, राग गाना मतलब एक बड़ा ख्याल गाना और एक छोटा ख्याल गाना जी, और कोई उसमें। अब देखिए कि बड़ा ख्याल जब निभाना और उसकी लय और उसको मिला हुआ समय, अब जैसे आजकल के प्रोग्राम जो है 1.5 घंटे या 2 घंटे के होते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं पाते जी सर। अब उसमें आपने 1.5 घंटा एक ही राग गाया, और जैसे बड़े कलाकार गाए तो दूसरा छोटा कलाकार भी बोलता मैं भी गाऊंगा, दो घंटा गाऊंगा, 1 घंटा, ये जरूरी नहीं है नहीं। आपका बड़ा ख्याल 10 मिनट में भी हो गया,
जो कुछ गाना है वो सुंदर गाइए, है ना। मैं ब्लैक हॉल गाता हूँ उस पर ध्यान ना देते हुए मैं कितना सुंदर गाता हूँ उसमें मैं मैटर क्या देता हूँ, एक सौंदर्य विचार मेरा क्या है, वो आप यदि एक घंटा निभा सकते तो जरूर निभाइए, लेकिन निभा नहीं सकते तो उसको स्टिच करते रहिए, ऐसा गलत है। आमिर खान साहब 1.5 घंटा गाते थे एक राग विलंबित लय में, उनकी क्षमता, हमारी क्षमता को हमने सोच के करना चाहिए। और आपने जो विचार प्रश्न पर आता हूं मैं, वो ऐसा है कि जैसे पहले 13वीं सदी में हमारे भारत में प्रबंध गायन की परंपरा थी, अब 16वीं 17वीं सदी में हमारे यहाँ ध्रुपद धमारा है, उसकी परंपरा तानसेन के जमाने में 300 साल तक चलते रही। तो देखिए पहले 300 साल प्रबंध गायन, फिर 300 साल ध्रुपद धमार गायन, अभी इसको भी 200-300 साल हो रहे हैं ख्याल गायन। क्या आप परिवर्तन नहीं चाहते जी? परिवर्तन ही कला का मुख्य अंग होता है जी सर। अब इससे लोग सहमत नहीं होंगे, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। क्या रे सर, आपने एक से गलत बात कह दी, इसको परिवर्तन, परिवर्तन मतलब ये है कि उसको आप आगे ले जाएंगे, ऐसा होना चाहिए नया प्रकार, आप ऐसे ढूंढिए इसको कि सब लोग खड़े होकर दिल सुनना चाहिए उन्होंने, क्या ये नया कुछ प्रकार निकाला, जैसे सदारंग जी ने निकाला तब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्या ये नई बात है और ये क्या है पूछा, तब उन्होंने कहा कि ये हमारा ख्याल है। वैसे अब हृदय को छूने वाली ऐसी कोई एक विधा को आप सामने लाइए, उसको जैसे हम, जैसे हमको पूछे तो हम कहेंगे, उसको कहेंगे हृदय स्वर, क्या गा रहे, हृदय स्वर जी सर, मतलब मेरे हृदय में जो है बहुत सुंदर है, आकर्षक है, लोगों को पसंद होने वाला, ऐसा कोई गायकी, हृदय स्वर गायकी का निर्माण करिए कोई नई चीज। तो ये सब मिलके इस पर सोच के नए की ओर हमको बढ़ने की आवश्यकता हमको जी सर। जी सर, सर बराबर है। अपना संगीत लोकाभिमुख होने के लिए और परिवर्तन बदलाव इस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत से जगह ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे शास्त्रीय संगीत की कोई एक बंदिश ली जाती है या फिर पुराना कोई एखादा प्रकार लिया जाता है और उसका कुछ फ्यूजन बनाकर, जैसा कि नई पीढ़ी को हिंदी पिक्चर के कुछ फिल्मी गानों का फ्यूजन बनाकर उनको पसंद आता है, तो हमारे शास्त्रीय संगीत में भी कुछ ऐसा अपने हमें करना चाहिए फ्यूजन, या फिर करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्रीय संगीत प्राचीन काल से चल रहा है उसे भी कुछ धक्का न लगे और हमारा यह संगीत भी लोकाभिमुख हो, तो ऐसा कुछ फ्यूजन हमारे संगीत में कुछ बन सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए कि ये सदारंग जो थे ये ध्रुपद गायक थे और वो जब लखनऊ में आए तो उन्होंने कोठी पर ठुमरी को सुना और ठुमरी की जो एक भाव विवशता है उसमें एक रसीलापन है, वो रसीलापन उन्होंने अपने गाने में लाने का प्रयास किया और एक नव विचार पूरे संगीत जगत को दिया। वैसे हम लोगों को अब करना चाहिए। देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में लोक संगीत इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है, राजस्थान का देखिए, पंजाब का देखिए, कर्नाटक का संगीत, ये सब जो विचार हैं, ये लोक संगीत को हम एक मिला के एक फ्यूजन बहुत सुंदर सा करें तो भारतीय फ्यूजन बन सकता है। या तो देखिए हमारे यहाँ तराना है, त्रिवट है, चतरंग है, होरी है, फाग है, ऐसे और अलग अलग प्रकार है, ध्रुपद, इन सबको मिला के क्या हम एक नई फ्यूजन बना सकते। अभी क्या हो रहा है, फ्यूजन में बड़ा ही कंफ्यूजन है, जो कुछ बनाते हैं तो बस एक बंदिश ले ली उसको वेस्टर्न, हाँ, वो लगा, हाँ, और वो गा रहे, इसको फ्यूजन नहीं कहते। हाँ, वो एक दूसरे में इतना मिलजुल जाए और मिलेंगे तब, जैसे आप हम इधर एक दूसरे से मिलके बातचीत कर रहे, क्योंकि हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे जो संगीत एक दूसरे से जुड़ा है और जो सुंदर बन सकता है ऐसा प्रयास करना, दैट इज अ क्रिएटिविटी जी सर, इट इज नॉट जस्ट ओनली अ मिक्सचर, है ना।
करेला का और आइसक्रीम का मिक्सचर नहीं हो सकता। जी सर, जी सर, ये समझ लीजिए। मिक्सचर करने के लिए कोई है, श्रीखंड है, उसमें आम को मिलाइए तो आम्रखंड बनेगा। तो क्या मिलाना चाहिए, कैसे मिलाना चाहिए, ये सोचना और सही तरह से उसको ये करके एक नया ये देना। अब देखिए कि एशियन म्यूजिक है, एशियन म्यूजिक और भारतीय संगीत दोनों को मिला के कुछ ये हो सकता है, हमारे इस कॉन्टिनेंटल का म्यूजिक बन सकता है, फ्यूजन का ऐसा बन सकता है। वेस्टर्न के साथ करिए, वेस्टर्न में क्या चीज होती है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। वेस्टर्न में बहुत भावपूर्णता होती है, हमारी इसमें शास्त्र होता है। गाते समय ये कहते कि पराग जी एक गा रहे और आप गा रहे, तो कहते नहीं नहीं आपका अलग हो रहा है, इसमें ये मध्यम ऐसा नहीं लगता पंचम, तो आप शास्त्र को सोच के गा रहे। जी सर, इसमें मध्यम पंचम का ये नहीं है, मेरे दिल का, दिल की बात। तो वेस्टर्न में वही होता है, उनका स्केल चेंज होता है, वो होता है, लेकिन क्या बताते हैं उसमें, भाव। जी, तो हमारे संगीत को फ्यूजन करते समय भाव का विचार रखते यदि हम कुछ करें और नया बनाए तो वो वास्तव में फ्यूजन संगीत हो सकता है कि जिसमें आकर्षकता हो, परिणामकारिता हो, ऐसा विचार उसमें। जी सर, जी सर, मतलब कुछ भी जिसमें कंफ्यूजन नहीं है ऐसा फ्यूजन बनना चाहिए, और वो भी लोगों को पसंद, आम लोगों को भी पसंद आना चाहिए। सर, हमारी संगीत शिक्षा ये गुरुमुखी संगीत शिक्षा है, हमारे प्रिंसिपल मैम ने भी शुरुआत में इसका जिक्र किया है, और हमें अभी संगीत को बहुत बढ़ाना है, आगे लोकाभिमुख करना है, उसमें युवकों को संगीत शिक्षा भी देना है, और युवकों के पास आपने भी कहा कि इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है। हमारा संगीत पूरा पार से गुरुकुल टाइप से चला आ रहा है, और उसके रीजन भी आपने हमें मिले हैं, उस बहुत से बड़े गायक गुरुकुल पद्धति से आगे चलकर बड़े हुए हैं। लेकिन आज की स्थिति में हम महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और लेकिन युवक के पास इतना वक्त नहीं है कि गुरुकुल में जो टाइप का संगीत सिखाया जाता था, तो आज की इस स्थिति में गुरुकुल पद्धति का आपको किस प्रकार से आप इसके इसके तरफ देखते हैं सर? देखिए, गुरुकुल परंपरा ये हमारे भारतवर्ष की बहुत प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान आज तक पहुंचा है वो गुरुकुल की परंपरा से यहाँ पहुंचा है। जी सर। तो गुरु का महत्व तो अनन्य साधारण है ना? जी सर। और वही परंपरा हमने संगीत के लिए उपयुक्त समझी है। देखिए कि जैसे साम गायन होता था वो संगीत था, साम गायन से आज के ख्याल गायन तक हमारे संगीत में गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा चलते आ रही है। जी सर। तो वो परंपरा को हम आधुनिक भाषा में टीचर सेंटर्ड, उसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, कि जो टीचर कहेगा इधर से सूर्य निकलता है, हम कहेंगे हाँ कहें। टीचर कहेगा ये अमावस्या को सूर्य निकलते, फिर भी हम कहेंगे हाँ कहेंगे। अब ऐसा है कि जो टीचर उस समय थे वो बड़े विद्वान थे, आज भी है, लेकिन आज के विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ा ज्ञान अलग माध्यम से मिलता है। जी सर। कई सारे स्टूडेंट जो है टीचर से भी ज्यादा विद्वान है। जी सर। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बोलते, एक हमारे शिष्य को हम आचार्य तोड़ी हम दो चार दिन पहले सिखा रहे थे। जी सर। तो हमने कहा देखो इसमें एक शुद्ध शुद्ध ऋषभ होता है, उसने पांचवें मिनट में मेरे को दूसरी ये भेज दी, कहने लगे देखिए सर इसमें कोमल ऋषभ भी है और शुद्ध ऋषभ भी है। अरे क्या है कि वो मेरे से ज्यादा जानता है। मेरी शिक्षा परंपरागत है, उसकी आधुनिकता से मिली, आधुनिकता से। हाँ, उसने यूट्यूब से निकाल के का मेरे को भेज दिया कि देखिए। तो इसका हमने सम्मान करना चाहिए। जी सर। गुरु केंद्रित पद्धति में है, उसमें एक गुरु और शिष्य का पुत्र बॉन्ड था। जी सर। अब हमारा जो है वो औपचारिकता का बॉन्ड होना चाहिए, एक मित्रत्व मित्र के तौर पर हमारा बॉन्ड होना चाहिए। मैं शिक्षक हूं और मैं ही सही हूं, ऐसा कहना जो है एक शिक्षक की प्रतिमा को कम कर देता है, क्योंकि उसको भी आजकल हमारे से भी ज्यादा मालूम हो सकता है।
तो हम तो फैसिलिटेटर होना चाहिए। देखिए कि जैसे मैं सीखा हमारे गुरुजी के पास, तो गुरुकुल पद्धति से सीखा। गुरुकुल पद्धति के फायदे ऐसे हैं कि हम जो भी तालीम करते हैं उनके सामने बैठ कर करते हैं। गुरु का सहवास बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब गुरु तो अलग अलग हो गए हैं, YouTube भी गुरु बनता है, फिर वो वर्कशॉप बनते हैं, वेबिनार बनते हैं, कई सारे जो है उसमें से वो ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु सिर्फ ज्ञान देने के लिए होता है। तो आजकल का जो शिक्षण है उसको हमको बदलना चाहिए, उसको पायडोसेंट्रिक मेथड कहना चाहिए, मतलब विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धति। जी सर, विद्यार्थी को क्या चाहिए, ये एक ही उदाहरण देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास एक आपके औरंगाबाद के ही एक स्टूडेंट आए थे जी। वो उसके पिताजी, वो छोटा था तब, लेके आए, कह लगे इसको गाना सिखाइए। जी सर, मैं उसके पिताजी के पास देखने लगा। मैंने कहा आप क्यों कह रहे उसको संगीत सिखाना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को लगता है मेरे लड़के को। अच्छा, मैंने कहा बैठने दो। फिर हमने गाना थोड़ा बड़ा सिखाया, देखा कि उसको तो तबले में ज्यादा रुचि है। जी, गाना छोड़ के तबले पर जाके बैठता था, तबला ही करता था। मैंने समझ लिया कि इसकी जो एप्टीट्यूड है जी सर, वो एप्टीट्यूड तबला की ओर है। फिर तबला के एक बड़े गुरु के पास लेके मैं गया और वो आज औरंगाबाद में बड़े अच्छे तबला वादक फेमस है। जी सर, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको उसकी एप्टीट्यूड देख के उसको क्या कर बनना है ये समझ के उसको ये देना, ये पहले के परंपरा में कम था। कम तो कहते थे, मैं कहता हूँ आपको सीखना है, आपकी आवाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों में एक बहुत फर्क हमको दिखाई देता है। जी सर, हमारा संगीत देवालय से निकलकर दरबार में आया, दरबार से निकलकर आम लोगों तक यह संगीत पहुंच गया है। तो हमने सिखाने के भी गुरुकुल से लेकर आजकल महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर हमारा संगीत हम सिखाने में अपना बदलाव, सिखाने की पद्धति में तो बदलाव हमने किया है, लेकिन जो हमारी संगीत शिक्षा की जो पद्धति है, तो वर्तमान स्थिति में शिक्षा की पद्धति में क्या बदलाव होना चाहिए ऐसा आपको लगता है सर? बहुत बहुत बदल होना चाहिए। अब तो आप पुरानी पद्धति को छोड़ दीजिए। मैडम ने जैसा पुरोहित मैडम ने कहा ना कि ये अब हमको नए तौर पे सोचना पड़ेगा। अब पहले कैसा था, हम जब बैठते थे सारे गम पद्धति से एक घंटा गाते बैठो और टीचर, अब ऐसा करना जरूरी नहीं है। उसको एक आप टेप रिकॉर्डर दो, उसको आप सीडी दो, उसको आप पेन ड्राइव दो, उसको कहो इस पर हमने गा के सुने, इसके साथ आप प्रैक्टिस करो। काम कम और वो ज्यादा होना चाहिए। आपको मालूम है पुराने जमाने में आटा हाथ से गूंथते थे, रोटी बनाना है तो हाथ से। आजकल वो मशीन मिलती है, उसमें जी सर, हम जी सर, 3 मिनट में बहुत सुंदर आटा अच्छा बनता है, रोटी बनती है। जी सर, काम कम समय में और अच्छी तरह से बनता है, तो उसको कहते टेक्नोलॉजी। तो संगीत की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, अब एक स्वयं ऐप निकला है म्यूजिक के लिए। जी सर, स्वयं पे आप जाओ तो उस पे आपको कई सारे रागों की जानकारी मिलती है, अलग अलग लोगों के विचार मिलते हैं, फिर उस पर FAQs आते हैं, फिर उस पर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। तो ये उसका मतलब शिष्य का, ये स्टूडेंट का व्यू ब्रॉड बनाता है, उसकी ओर देखना चाहिए। और एक दूसरा वीडियो भी आते हैं आजकल। वीडियो पर आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आप बीच में उसको दबा दो और उसको रुका दो उधर, और उसको प्रश्न पूछो वीडियो को कि ये तान इधर कैसे आई। तो उस पर आप FAQ आता है, और वो FAQ आपको, आपके मन में जो प्रश्न है वो आपके मन को भी पहचानता है। इतना आगे बढ़ गए हम जी सर, कि राग यमन में आपने गम धनी ऐसा कर दिया, उधर पूछता है वो कि गम धनी चलता है क्या, उसमें 5 प्रश्न के सवाल आते हैं कि ऐसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, ऐसा जी भी सर, जी सर। तानों के बारे में देखिए कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर पे जाइए, एक आप तो सरल तान, और सरल तान यमन में कितनी बनती है आप उसमें डाल दो तो आपको 150 से ज्यादा सरल तान उसमें बना के मिलती है। जी इतना सारा जल उपलब्ध है, आप कोई
उस पर वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। जी सर, टीचर को अपना काम कम करके अत्यंत इफेक्टिव, मतलब बड़े इफेक्टिव पद्धति से जब पढ़ा सकते हैं तो हम इसको क्यों ना अपनाएं। पहले से वो लेके नहीं, मैं गुरु हूं, मैं बैठूंगा, मैं जो सिखाऊंगा वही से, इसको छोड़ना पड़ेगा। जी सर, जी सर, नए नए पद्धति का ये करना पड़ेगा। यूट्यूब पर तो कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस पर से आप ये कर सकते हैं। और लास्ट में टीचिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा। जी सर, जी, एड्स जिसको कहते हैं आजकल, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स बना सकते हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करिए और कुछ अलग अलग प्रकार के, और उसके माध्यम से करिए। आप बस बैठना है, बताइए, उनको पढ़ने लगाइए, प्रश्न उनके मन में क्या है उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ये हो गया। तो ये मॉडर्न मेथड, इसमें आपको सामने बैठने की भी जरूरी नहीं है। जी, आप घर में बैठ के उसको ये सब बता सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम कोविड के कारण आया है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, हाँ, मेरे सामने मत बैठिए। मैं आपको बताऊंगा और इतने 15 मिनट में सिखाऊंगा, दो दो घंटा अपना स्वयं अध्ययन, ये हम इस पर बल नहीं देते, उसको भी ये करिए, उसको खोजने के लिए बोलिए, एक्सप्लोरेशन। ऑल दीज मेथड्स आर वेरी एसेंशियल, जो म्यूजिक में हम लोग आज तक नहीं प्रयोग में लाते थे उसको जरूर लाइए, और लगता है मुझे कि उससे आप काफी तरक्की कर सकते हैं। जी सर, जैसे संगीत की शिक्षा में हम सुधार लाना जरूरी समझ रहे हैं, तो क्या सर आने वाले इस दौर में परीक्षा के मायने में हम कुछ सुधार ला सकते हैं? संगीत की परीक्षा जो परीक्षाएं जो क्रियात्मक और थ्योरेटिकल जो होती है, तो इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए सर? हाँ जी, एक तो क्या है कि परीक्षा पद्धति हम जो संगीत की लेते हैं वो परीक्षा ऐसी होती कि परीक्षा में हम ये सोचते नहीं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, है ना। फाइनल आउटपुट क्या चाहते हम कि ये कलाकार बने अच्छी तरह से, एक संगीतज्ञ बने, कोई क्रिकेट बने, तो उस पद्धति से हम उसकी जांच करते नहीं है। हमारे इसमें ये ख्याल गाओ, ये उसका ये करो, पांच आलाप करो, तीन आलाप ताने करो, ये कोई पद्धति, मतलब ये संगीत की जो पद्धति है बहुत गलत है। मैं तो सोचता हूं कि ये इन लोगों को एक ऐसा काम दीजिए, मतलब परीक्षा का, कि एक देहात में जाओ, वो वहां के लोग जो बैठे हैं उनको गाना सुनाओ और वो कितना आनंद लेते हैं। है वो लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये बच्चे को समझना, कलाकार को समझना चाहिए कि कलाकार बनेगा तो इनके सामने गा के सुनाओ, तब जाके वो कही होगा। इस प्रकार की पद्धति कुछ, मतलब ये जो आजकल की पद्धति, इससे तो हम खुश नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ नया क्या सोचे, कैसा सोचे, ये भी आप सोच के परीक्षा पद्धति को बदल सकते हैं। जी सर, जी सर, गुरुकुल पद्धति में जो शिक्षा दी जाती थी एक ही सब्जेक्ट रन होता था गुरुकुल पद्धति, एक गाना बोले तो गाना, तबला, सारंगी, एक सब्जेक्ट लेकर हम चलते थे और उसमें से बहुत सारे बड़े कलाकार उभर कर आए हैं। हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा या महाविद्यालय की शिक्षा या स्कूल के तौर पर भी जो शिक्षा दी जाती है, तो हमें यह शिक्षा भी देना जरूरी है, एकेडमिक बच्चों को वो भी चाहिए, और संगीत में भी कुछ आगे चलकर हमें कुछ और बड़ा बनना है, कुछ नाम कमाना है, मतलब हमें कलाकार बनना है और इधर की शिक्षा भी हमें चाहिए, तो इस दोनों का समय हम कैसा रख सकते हैं सर? हाँ, जैसे इसमें जो कलाकार बनना है ये उसका फाइनल प्रोडक्ट, जो लड़का आपके यहाँ एडमिशन लेता है, तो कहीं सिर्फ ऐसा शास्त्र सीखने के लिए या कहिए कि टीचर बनने के लिए नहीं आता, वो कलाकार बनने के लिए आता है। जहां तक मैं 20-25 साल तो पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होगा जी।